नमस्कार, न्यूज आज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा में एक पराजित प्रत्याशी और एक महिला पदाधिकारी के बीच बैठक के दौरान मारपीट हो जाने का मामला खासा चर्चा में है। महापौर आलोक शर्मा के निवास पर आयोजित बैठक में हुए इस झगड़े को पार्टी नेता साधारण बताकर टाल रहे हैं। भाजपा की कमरा बंद बैठक के अंदर के दृश्य तो बाहर नहीं आए, लेकिन पूरा घटनाक्रम जरूर सामने आ गया। खबर के मुताबिक भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ी फातिमा कुरैशी ने एक महिला कार्यकर्ता से मारपीट कर दी। इस दौरान फातिमा का पति चाकू लहराकर बीच बचाव करने वालों को डराता धमकाता रहा। महापौर आलोक शर्मा और जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ सिंह ने इसे मामूली घटना बताकर अंदरूनी असंतोष से इनकार किया है। वो महिलाओं ने, एक महिला ने, हमारी कार्यकर्ता है, दोनों बहनों ने, उनका कहना कि तूने मुझे क्यों घूर के देख लिया और आपने क्यों घूर के देख लिया। घूरने घूरने के चक्कर के अंदर कुछ गलतफहमी हो गई थी, दोनों को बैठा के समझा दिया गया। अब कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं। हार के कारणों की हम लोगों ने अपने संगठन के अंदर चर्चा की भी की है, समीक्षा भी की है, और जो कमियां खामियां रही हैं उनको आगे आने वाले समय में हम दूर कर। नहीं बिल्कुल, अरे भैया कोई दो कार्यकर्ता लड़ लें तो पार्टी छवि खराब हो जाएगी क्या? दो कार्यकर्ता आपस में लड़ लेंगे तो पार्टी छवि खराब हो जाएगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पार्टी जो है, जो भी अपनी बात है उचित फोरम पर जाके बताइए, पार्टी नेतृत्व से बात करिए, वो जो होगा वो समाधान करेंगे। वो भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दिए साथ, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।